एक बेचारा सीधा साधा आदमी था, उसको पढ़ी लिखी लड़की से शादी हो गई। बड़ी अपनी सहेलियों से, सभी से बड़ी महिमा गाई थी, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है। तो ससुराल गया तो सहेलियां भी इकट्ठी हो गई, इनका देखेंगे जीजा जी को। भोजन बना, भोजन परोसा गया। अब पूड़ियाँ बनी थी, तो पूड़ियाँ तो बस छोटी छोटी पूड़ियाँ थी। अब वो गांव का सीधा साधा आदमी बेचारा, क्या उसको इतने से टुकड़े को भी तोड़ के खाएंगे क्या? वो तो सीधा एक पूड़ी ले और खा जाए। अब सहेलियों ने देखा कि ये कैसा आदमी है, सभी कोई खाता है क्या? इसकी तो बड़ा बड़ा नाम महिमा गा रही थी, तो खाने का भी इसको ढंग नहीं, एक पूड़ी एक साथ एक निवाले में। तो पत्नी को भी लग रहा गलत कर रहा है। अब देखे तो कुछ बोले, अब कहे तो संकोच हो। अब वो बार बार भी इशारा कर, लेकिन वो देखे नहीं। आखिर देखा उसने, तो उसने इशारा किया कि कम से कम एक कुड़ी के दो तो करो। तो वो समझ रही कि पत्नी कह रही है, बड़े दूर से आए हो, थके मांदे हो, बड़े भूखे हो, एक साथ दो दो खाओ। अब दो दो खाए, वो देखा तो और बात बिगड़ गई। तो उसने कहा कि अरे क्या मिला है, माग फूटे मेरे, ऐसे किया उसने। तो वो समझ गया पत्नी कह रही है कि पहले पूड़ी को दो तो खाओ, पर पहले सिर पे लगाओ। तो कईयों को इशारा भी समझ में नहीं आता है, और आता है तो फिर अपने हिसाब से ही अंदाजा लगाते। तो उत्तम सेवक सेवा खोज लेता है, मध्यम सेवक कपूर जैसा है कहने पर करता है, कनिष्ठ सेवक जो है वो कोयले की तरह आग पे रखो, फूको फाको तब आग लगेगी, और कनिष्ठतर केले की थड़ की तरह आग में रख दो तो भी जलने वाला नहीं है। ऐसे कनिष्ठतर सेवक कह दो तो भी करने वाला नहीं है। अब आप हम सब देख लें कि कौन कैसी स्थिति में है।